मन की विशेषताएं हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग है। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। दोस्तों, मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। चेतन मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 आवर्स काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। मन और आत्मा, हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई भी इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाती है, तब उनकी मौत हो गई ऐसा कहते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है, तभी ऐसा होता है। मतलब जब शरीर के अंदर की जो क्रियाएं है वो हमारे अवचेतन मन करता है, और जब वस क्रियाएं बंद हो जाती है तभी इंसान की मौत हो गई ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। मन का स्थान, बहुत सारे लोग यह सोचते रहते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ होता है। मन कोई चीज नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, बल्कि मन एक शक्ति है, मन एक ऊर्जा है। हमारा चेतन मन का स्थान है हमारा ब्रेन, जो हमारे सिर के अंदर होता है। हमारा अवचेतन मन हमारे पेट में जठर के पीछे चेततंत्र के जाले में होता है। उसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र, सूर्य चक्र इत्यादि नाम से। मन के विविध नाम, दुनिया में लोगों ने मन को अलग अलग नाम दिया है, जो नीचे दिए गए हैं। चेतन मन को नीचे दिए गए नाम से भी जाना जाता है। तार्किक मन, लॉजिकल माइंड, पृथक्करण मन, एनालिटिकल माइंड, लैब ब्रेन, बाह्य मन, आउटर माइंड, ज्ञात मन, नोन माइंड, जागृत मन, कॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को नीचे दिए गए नाम से भी जाना जाता है। बिना तार्किक मन इलॉजिकल माइंड, सृजनात्मक मन क्रिएटिव माइंड राइट ब्रेन, अंतर मन इनर माइंड, अज्ञात मन अननोन माइंड, अर्ध जागृत मन सबकॉन्शियस माइंड। मन की अवस्थाएं, हमारे मन में चार प्रकार की तरंगें होती है।
जिस तरह हृदय की तरंगों को ईसीजी द्वारा मापा जाता है, उसी तरह ब्रेन की तरंगों को मापने का यंत्र है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। फोर स्टेट्स ऑफ माइंड। ब्रेन की चार तरह की तरंगें होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा अवस्था। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 24 प्रति मिनट तक चल रही होती है। यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इसे हम आदि जागी और आदि सोई हुई अवस्था कहते हैं, यानी अर्धसुप्त अवस्था। थीटा अवस्था। थीटा तरंगों में हमारे चेतन मन पूरी तरह शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती है। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह गहरी निद्रावस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है। दिन में जब हम जग रहे होते हैं, तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं, तब हमारे अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी भाव हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा कि उस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो। और दोस्तों, इस अल्फा अवस्था में संभव होता है, इसलिए अल्फा अवस्था हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अल्फा अवस्था में ही हम कोई भी संदेश हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।